यस, इन सेशंस में मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ उन क्वेश्चन का डिस्कशन जिनको अक्सर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इन्हीं क्वेश्चन को आप अगर लॉजिक से करोगे, कंसेप्ट से करोगे, तो जो क्वेश्चन मेथड से 2-3-4 मिनट तक ले सकता है वो हार्डली 10 से 15 सेकेंड तक ले सकता है। तो मैं आपके साथ जो ये सेशंस लूंगा इसमें लेस टाइम में आप बहुत ज्यादा गेन करेंगे, ये बात श्योर है। कहने को 1-2 क्वेश्चंस होंगे पर उससे कई सारी नई चीजें भी सीखेंगे और बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट भी डेवलप करेंगे, यानी आप 360 डायमेंशन में कैसे सोच सकते हैं। हर क्वेश्चन को हम मेथड से नहीं कर सकते, हर को लॉजिक से नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं कर सकते, पर कुछ क्वेश्चन मेथड से ही होते हैं, कुछ लॉजिक से, कुछ ट्रिक से, कुछ कंसेप्ट से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसेप्ट। तो मैं आपके साथ ये जो सेशन लूंगा इसमें मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप खुद भी फील करेंगे कि ये क्वेश्चन अगर मेथड से किया जाए तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है, पर यही क्वेश्चन कंसेप्ट से या लॉजिक से किया जाए तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नंबर वन की यहां पर आपको कहां पे कंफ्यूज किया वो भी समझ लीजिए, आपसे नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे, एक्स नहीं पूछा है, कि नंबर ऑफ रियल रूट यानी इस इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं। अब अगर इसे मेथड से करें तो मॉड फंक्शन के पूरे कंसेप्ट लगेंगे, पर अगर इसे हम लॉजिक या कंसेप्ट से समझें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या, आप ध्यान दीजिए कि ये पूरी चीज जो है वो पॉजिटिव है, यस और नो, क्योंकि इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। अगर आप एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए जीरो भी रख देंगे तो 5 होगा, एक बात, और यहां पर जो भी कुछ रखेंगे इसका रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब दिस इक्वल टू दिस ये बोला गया है, हम बहुत ही लॉजिक से इसका आंसर बता सकते हैं। अच्छा एक और बात है कि देख के समझ में आ रहा है कि आप इसे मेथड से करते तो 2 पावर x को y वगैरह मानते, वो सब भी बताऊंगा, पर पहले हम देखें कि हार्डली इस क्वेश्चन को आप लोग 10 से 15 सेकंड में कर सकते थे। नंबर वन कि इन दोनों इक्वेशन का बैलेंस होना चाहिए, नंबर टू इसका रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका भी। मान लो थोड़ी देर के लिए आप x की वैल्यू 0 रखते तो ये मिलता 5 और ये मिलता निगेटिव, यानी 0 नहीं है, कट। मान लो थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू आप 1 रखते तो क्या होता, ये मिलता 6 और यहां पर जब 1 रखते तो ये मिलता 0, ये भी कट। अगर आप x की वैल्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2 रखते तो क्या होता, 2 की पावर 2, यानी 4 माइनस 1 3 8, और यहां पर अगर आप 2 रखते तो 4 into 2 8, यानी x की एक वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर मैं x की वैल्यू बोलूं 3 रख देते तो क्या होता, देखो लॉजिक से समझ में आता, 8 माइनस 1 7 5 12, और यहां 3 रखते तो 8 into 6, तो यानी इसके बाद कोई सेटिस्फाई नहीं करता। यानी आपने एक बहुत ही सिंपल से लॉजिक से यह बता दिया कि इसके एक ही रियल रूट होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। अब कई बार क्या क्या मिस्टेक्स होती है वो बताऊंगा। तो ये जो स्मॉल सेशंस हैं इसमें आप गेन बहुत कुछ करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, कहां कहां मिस्टेक हो सकती है और क्या क्या चीजें आप भूल जाते हैं। अब आपसे नंबर वन इसमें वैल्यू ऑफ एक्स नहीं पूछी, पर अगर कोई बच्चा इसमें वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करवाए तो ये कर जाएगी, और हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसको डी लगा दे, पर डी इसका रॉन्ग आंसर है। इज दैट क्लियर, क्योंकि आपसे द नंबर ऑफ रियल रूट पूछे। दूसरा, केवल एक ही रूट सेटिस्फाई कर रहा है वो है 2, तो इसका मतलब ओनली 2 इज अ राइट आंसर, वो सॉरी एक्स की वैल्यू 2 राइट आंसर है, यानी 1 रूट। अब इसी क्वेश्चन को मेथड से करना होता तो ऐसा नहीं कि टाइम बहुत लगता, बट फिर भी टाइम तो लगता ही, क्योंकि आपको यहां पर मॉड के कंसेप्ट को यूज करना था। चाहते तो आप 2 पावर x को समझने के लिए y मान सकते थे और एक केस लेते कि 2 पावर x -1 > 0, यानी 2 पावर x > 1, यानी x > 0, तो उस समय ये पॉजिटिव ही ओपन होता, तो आप ऐसा लिखते 5 + y - 1 = y² - 2y, यानी y² - 3y - 4 = 0, यस और नो, फैक्टर बन गए y - 4 y + 1 = 0, y की एक वैल्यू 4 1 - 1। अब y 2 पावर x है तो ये हो नहीं सकता, y अगर 4 ले लूं मैं, 4 ले लूं तो x की वैल्यू देखिए 1 आ गई, 2, एक रूट तो ये मिल गया अगर मेथड से कर रहे होते। दूसरी बात, अब आप एक केस लेते x > 0 लिया तो एक लेस देन भी लेते, जब ये ऐसा मिलता 5 + अब 1 - 2 पावर x मिलता, यानी 1 - y = ये तो वही रहता खैर, तो अब आपको मिलता y स्क्वायर
माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, सबको एक तरफ ले गए तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब वाई की एक वैल्यू थ्री है और एक माइनस टू है। अब माइनस टू हो नहीं सकती और थ्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने लेस देन जीरो लिया है, तो एक ही करेक्ट है। बट जब तक आप मेथड पे गए, देखिए आपका टाइम बढ़ गया, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप जब पढ़ाई करें तो बहुत कंसेप्ट के साथ करें, और ये जो मेरे स्मॉल सेशंस हैं ये सारे सेशंस बहुत कम टाइम आपका लेंगे बट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ओके, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।